हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय थर्ड स्ट्रॉन्ग गेन वीडियो। तो आज मैंने वीडियो में आपको ट्रायल के बारे में बताना था। तो सबसे पहले मैं अर्निंग का बता देता हूँ आपको कि मैंने कितनी अर्निंग की है और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है विद इन 10 डेज़ में। 10 डेज़ में मैंने $110 कर लिए। तो सबसे पहले मैं टायर का आपको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट टायर है जो आपको फ्री में मिलता है, और ये दूसरा गोल्ड है। तो गोल्ड में आपको कितना प्रॉफिट होता है तो मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो डिपॉजिट आप देख सकते हैं, बोनस 5% एक्स्ट्रा है, एनुअल इंटरेस्ट भी आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जो आप डिपॉजिट करोगे इसमें स्ट्रॉन्ग गेन में, उसका आपको बैक मिलेगा 5%। तो जितने आप टायर इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी ट्रेडिंग दिखा देता हूँ, अभी तो माइनस में है। फिलहाल मैं अपनी क्लोज ट्रेडिंग दिखा देता हूँ कि मैंने कितने प्रॉफिट लिया है विद इन 10 डेज़ में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल $0.5, $1, $6, $2, $5 का प्रॉफिट हो रहा था। फिर आगे मैक्सिमम $10, $16, आहिस्ता मुझे प्रॉफिट होने लग गया। तो मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल 10 लेवरेज और 20 लेवरेज तक ही की, इससे ज़्यादा नहीं की। तो आपका टायर जितना इंक्रीज़ होगा आप उतना लेवरेज बढ़ा लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात पे, जितना आपका ज़्यादा इंक्रीज टायर होगा उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो सबसे पहले मैं टायर्स के बारे में बता दूं कि मैं टायर्स के लिए एक्स्ट्रा वीडियो क्यों बना रहा था, तो मैं आज बताता हूं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं नीचे एक मेरे पास टायर्स का ऑप्शन है, माइनिंग स्पीड। तो ये टायर्स हैं जैसे आप पबजी में खेलते हो उस तरह के टायर्स हैं ये बिल्कुल। तो देख सकते हो मेरी 78,498 कंप्लीट हो गई, मतलब ये फ्री में ट्रेड्स मुझे टायर्स मिल रहे हैं। तो मेरी माइनिंग स्पीड 1% इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे डिपॉजिट मैं वैसे डिपॉजिट तो नहीं करूँगा, मैं फ्री में इन्वेस्ट करूँगा, जो मेरे पास है मैं उसी से ट्रेडिंग करूँगा। तो आप भी उसी से ट्रेडिंग करें। तो गोल्ड टायर में आपको कितनी पेमेंट मिलती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप प्लस आइकन पर क्लिक करना, देखें आप डेली इनकम 1.24 अर्न कर लेंगे। और 0.5 में देखें आपको 0.62 डेली मिलती है। फिर देखें वीकली इनकम गोल्ड की ज़्यादा है, 0.5 की कम है। फिर मंथली इनकम देखते हैं, 0.5 की कम है और गोल्ड की 37.26 है। इसी तरह आप जितना ज़्यादा टायर इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये अर्निंग देगी। तो ये आपको सिर्फ बोनस मिलेगा, आप बोनस से जितनी ट्रेडिंग करोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। तो डायमंड टायर में मैक्सिमम आपको 5 से 6 मंथ लग जाएंगे, मुझे भी बेसिकली 5-6 मंथ लग जाएंगे। तो मैंने भी डायमंड टायर तक करना है। मतलब जितनी आप इंक्रीज़ कर टायर करोगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो आप डेली इनकम देख सकते हो 14.90 USD मिलेंगे। अगर मैं 10 दिन तक भी करता रहूँ, अगर मेरा 0.5 टायर है तो मुझे $14.90 नहीं मिलेंगे, और वो आपको डायमंड टायर पे 1 डे में मिल जाएंगे। तो खुद सोच लो टायर की कितनी वैल्यू है। तो ये वीडियो टायर की थी, और भी आगे बेसिकली टायर्स हैं, मैं आगे और भी दिखा देता हूँ। उस टायर्स में जाने के लिए आपको मैक्सिमम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो कोशिश करनी है डायमंड टायर तक जाना है। तो उसके बाद बेशक आप लेवरेज 50 इंक्रीज़ करें, बेशक लूज़ हो जाए तो आप फिर लेवरेज आप ट्रेडिंग आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको 4 दिन लगे थे $14 करने में, तो आपको सिर्फ 1 डे लगेगा $14 करने में अगर आपका डायमंड टायर होगा। तो आप देख सकते हैं टायर्स की कितनी वैल्यू है। तो कोशिश करनी है टायर्स के लिए आपने इंक्रीज़ कैसे करेंगे, आपने माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा डेज लगा के रखनी है। जितना आपको प्रॉफिट होता है आप मत लें, बस आपने बाय और सेल बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लगाना है, और आप जितने दिन लगाओगे आपका उतना टायर इंक्रीज़ होगा। तो आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी टायर की। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, तो पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।